हेलो गाइस, वेलकम ऑन सक्सेस प्लस एकेडमी। लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हमने कैनेडी थ्योरी के बारे में पढ़ लिया था। अपन अनलाइन कैनाल को डिजाइन कर रहे थे एलुवियल टाइप कोई, तो हमने कैनेडी थ्योरी पढ़ ली थी। अब कैनेडी थ्योरी के मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि कुछ कमियां थी, कुछ ड्रॉबैक थे, जिसकी वजह से कैनेडी थ्योरी को कुछ टाइम के लिए तो यूज किया गया डिजाइन के लिए, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। अपने पास एक दूसरी थ्योरी आई जिसे बोला जाता है लेसी थ्योरी। अब उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो हेडिंग डालिए लेसी थ्योरी, ठीक है? तो एक चीज अपन पहले कैनेडी की डिस्कस करते हैं कि कैनेडी ने हमें ये बताया था कि अगर ये मेरे पास कोई कैनाल है, ये इसका बेड है और इधर ये जो है ये इसकी साइड्स हैं, ये वाली और ये वाली। तो कैनेडी ने हमें ये बताया था कि जो एडीज का फॉर्मेशन होगा किसी कैनाल में वो ओनली इसके बेड से होगा, ठीक है? ये हमें कैनेडी ने बताया था और यही चीज जो थी कैनेडी की थ्योरी का सबसे बड़ा ड्रॉबैक थी, ठीक। अब बाद में और थ्योरीज आई, तो और थ्योरीज के बाद हमें ये पता चला कि भैया एक्चुअल में जो एडीज फॉर्म होती हैं वो सिर्फ बेड से नहीं होती बल्कि इसकी साइड से भी होती हैं, ठीक है ना? तो एडीज का जो फॉर्मेशन होता है वो बेड से ना होके साइड से भी होता है। तो ये चीज हमें किसने बताई? ये हमें लेसी ने बताई। अब अगर मैं कैनाल की साइड्स और बेड को कंबाइंड कर दूं, ठीक है, बेड को और साइड्स को मैं एक साथ ले लूं, तो इसे क्या बोल सकता हूं मैं? पेरीमीटर बोल सकता हूं। तो लेसी ने हमें ये बताया था कि कैनाल का पूरा की पूरा जो पेरीमीटर होता है वहां से एडीज का फॉर्मेशन होता है, ठीक है? तो लेसी के अकॉर्डिंग क्या हो गया? एडीज जनरेट फ्रॉम होल पैरामीटर, सॉरी पेरीमीटर ऑफ कैनाल, ठीक है? इंपॉर्टेंट बात है, एक दो बार एग्जाम में पूछी गई है कि भैया लेसी ने क्या बताया था कि एडीज कहाँ कहाँ से फॉर्म होती हैं। तो भाई साइड से भी फॉर्म होती हैं और बेड से भी फॉर्म होती हैं। अगर बेड और साइड को मैं कंबाइंड लिख दूं तो वो क्या हो गया मेरे पास? पेरीमीटर हो गया, सॉरी, है ना? तो ये बात हमें लेसी ने बताई थी और यही बात कैनेडी हमें नहीं बता पाया था। अब अपन लेसी थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, क्या सीन है लेसी थ्योरी का। सबसे पहले तो एक बार लेसी का देख लेते हैं कि क्या थे ये, कौन थे, कहाँ पे इन्होंने स्टडी करी थी, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो लेसी थ्योरी जो थी वो आई थी 1939 में, ठीक है ना? और मिस्टर लेसी जो थे ये एक इंजीनियर थे यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये एक इंजीनियर थे। इन्होंने एलुवियल कैनाल पे स्टडी करी थी और उसके बाद इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी जिसे अपन पढ़ते हैं, और इसी के भी आप पे आजकल अपनी कैनाल्स वगैरह डिजाइन होती है, ठीक है? अब लेसी जो थे उन्होंने लिंडले थ्योरी थी एक, उसको आगे बढ़ाया था, उसको मॉडिफाई किया था और कुछ अपने विचार जो भी हैं, जो भी उनके कंक्लूजन थे वो उन्होंने बताए। तो पहली बात इन्होंने बताई सबसे पहले कि अगर कैनाल कोई है मेरी जो कि एलुवियल सॉइल में से बह रही है, क्योंकि अपन बात किसकी कर रहे हैं, ओनली एलुवियल कैनाल की बात कर रहे हैं ना, तो वो एलुवियल सॉइल में से बह रही होगी या एलुवियम में से बह रही होगी। तो अगर कोई कैनाल मेरे पास है जो कि एलुवियल सॉइल से फ्लो कर रही है तो होता क्या है, जैसे कि मेरे पास ये एक कैनाल है, लेट सपोज, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी जब मैं इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा, इसकी कुछ ना कुछ डेप्थ होगी मेरे पास, इसका कुछ ना कुछ बेड स्लोप होगा, कुछ साइड स्लोप होगा, सब कुछ इसका कुछ ना कुछ मैं फिक्स करके रखूंगा जब इसको कंस्ट्रक्ट करूंगा, जब इसको बनाऊंगा, ठीक है? फिर क्या होगा, इसमें फ्लो स्टार्ट होगा, फ्लो में चालू करूंगा। फ्लो चालू होने के बाद क्या होगा, इस वाटर के फ्लो की वजह से, वाटर के जो रेस्ट्रेंट लगते हैं उसकी वजह से इसकी विड्थ, इसकी डेप्थ, इसके स्लोप, साइड स्लोप, बेड स्लोप, सारे कुछ क्या होंगे, धीरे धीरे एडजस्ट होंगे। मतलब ऐसा होता है ना, मैंने एक छोटी सी नाली बना दी, उसमें से फिर पानी को बहाया, तो उस नाली का जो क्रॉस सेक्शन है वो पानी की वजह से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पानी अपने आप क्या कर लेता है, उस चीज को एडजस्ट कर लेता है। तो होता क्या है, मैं कैनाल को कंस्ट्रक्ट करता हूँ, उसके बाद उसमें से पानी को फ्लो करता हूँ, वाटर को फ्लो करता हूँ, तो उसके जो पैरामीटर हैं, पैरामीटर क्या, जैसे कि इसकी विड्थ, डेप्थ, बेड स्लोप, साइड स्लोप, सारे कुछ क्या हो जाते हैं, अपने आप एडजस्ट हो जाते हैं डिस्चार्ज के अकॉर्डिंग, और एडजस्ट होके ये एक इक्विलिब्रियम कंडीशन को फॉर्म कर लेते हैं। मतलब एक इक्विलिब्रियम कंडीशन बना ली, एक इन्होंने फिक्स वैल्यू ले ली, उसके बाद इनके चेंजेस होने क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर कंडीशन को बोलते हैं रेजिम कंडीशन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं रेजिम कंडीशन, क्लियर है? और ऐसी चैनल जो कि रेजिम कंडीशन को ले लेती हैं, रेजिम कंडीशन को गेन कर लेती हैं, उसे बोलते हैं अपन रेजिम चैनल, ठीक है? ये बात हो गई मेरे पास, इन्हें बोल दिया अपन ने रेजिम चैनल, क्लियर? अब देखो लेसी थ्योरी को पढ़ने से पहले अपन एक चीज या एक अपने पास पर्टिकुलर वर्ड है उसके बारे में देख लेते हैं, क्योंकि वो यहां पे यूज होगा, ठीक है ना? तो एक वर्ड आता है अपने पास इनकोहेरेंट एलुवियम,
इनकोहेरेंट एल्यूवियम, ये एक पर्टिकुलर वर्ड है जो कि लेची थ्योरी में बार बार यूज आएगा, तो मैं इसको पहले बता देता हूँ आपको, ठीक है ना। नाम पे आओ, देखो एल्यूवियम दैट मीन्स एल्यूवियल सॉइल के डिपोजिट से बना होगा, एल्यूवियल सॉइल दैट मीन्स जो वाटर के फ्लो से आई गई है, मतलब कि एल्यूवियल सॉइल क्या होती है मेरे पास, सेंड प्लस में सिल्ट का, एक जनरली बोला जाए तो सेंड और सिल्ट का कॉम्बिनेशन होता है, मिक्सअप होता है, ठीक है। अब बात आती है अपना इनकोहेरेंट एल्यूवियम की, ये तो जस्ट मैंने क्या बताया आपको, एल्यूवियल सॉइल के बारे में बताया। तो इनकोहेरेंट एल्यूवियम क्या होता है, ध्यान से सुनना, इनकोहेरेंट एल्यूवियम एल्यूवियल सॉइल का एक डिपोजिट होता है, ठीक है, जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि नाम ही यहाँ पे क्या लिया हुआ है, इनकोहेरेंट एल्यूवियम लिया हुआ है। और दूसरी इसकी स्पेशल बात क्या होती है कि ये इस टाइप का डिपॉजिट होता है जिसमें स्कोरिंग जितनी रेट से होगी सिल्टिक भी उसी रेट से होगी। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि इनकोहेरेंट एल्यूवियम एक ऐसा डिपॉजिट है जिसमें जितनी आसानी से स्कोरिंग होगी उतनी ही आसानी से सिल्टिंग हो जाएगी, मतलब सारा की सारा मेरे घर से निकला और मेरे घर में ही वापस रुक गया। तो ऐसी पर्टिकुलर एक कंडीशन या ऐसी पर्टिकुलर एक डिपॉजिट को अपन बोलते हैं इनकोहेरेंट एल्यूवियम। और इसमें होता क्या है एल्यूवियल डिपॉजिट में, इसमें सिल्ट भी हो सकती है, इसमें सैंड भी हो सकते हैं, छोटे छोटे ग्रेवल्स भी हो सकते हैं, सारा कुछ इसमें हो सकता है, लेकिन क्ले नहीं होगी, क्योंकि क्ले हो गई तो वहां पे इनकोहेरेंट वर्ड मेरा फेल हो जाएगा, क्योंकि क्ले के पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन होता है, क्ले इनकोहेरेंट नहीं होती। इनकोहेरेंट क्या होती है मेरी, ओनली सैंड सिल्ट प्लस में अगर मैं ग्रेवल भी ले लूं छोटे छोटे, तो वो सब क्या है मेरी, वो इनकोहेरेंट सॉइल है, ठीक। तो वापस बता देता हूं, इंपॉर्टेंट चीज है ध्यान रखना, इनकोहेरेंट एल्यूवियम क्या है, ऐसा एक एल्यूवियल सॉइल का डिपोजिशन जिसके पार्टिकल्स के बीच में कोहेजन प्रेजेंट ना हो, और दूसरी बात ये एक ऐसा डिपोजिशन होता है, ये एक ऐसा डिपोजिट होता है जिसमें जितनी आसानी से स्कोरिंग होगी उतनी ही आसानी से सिल्टिंग हो जाएगी। समझ में आ गई, मतलब कहीं ना कहीं ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करके रखेगा अपना, ठीक है ना। ये हो गई बात अपने पास। अब अपन आते हैं भैया, आगे चलते हैं लेसी थ्योरी के बारे में, क्योंकि इसकी थ्योरी जो है लेसी थ्योरी में जो थ्योरी है, ध्यान रखना लेसी थ्योरी की जो थ्योरी है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ट्रिकी सी है, तो मैं आपको तसल्ली से समझाऊंगा, आप इसको समझ लेना प्यार से, ठीक है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे इस चीज़ में। ये अपन ने कुछ बेसिक बातें इसकी बाद में पढ़ ली, अब पढ़ते हैं अपन आगे इसमें लेसी थ्योरी में। देखो कुछ मेन बातें जो इसने बताई थी वो हमको पता लग गई। एक चीज़ हमने पढ़ ली कि भाई हमारे पास एक रिज्यूम कंडीशन होती है, ठीक है ना, एक चीज़ होती है हमारे पास रिज्यूम कंडीशन, वो हमने पढ़ ली, ठीक है। और ऐसी चैनल जो इस रिज्यूम कंडीशन को गेन कर लें उसे बोलते हैं अपन रिज्यूम चैनल, ठीक है। तो ऐसी चैनल जो इस कंडीशन को गेन कर लें या ऐसी कंडीशन में आ जाएं उन्हें अपन बोल देंगे रिज्यूम चैनल, ये बात मुझे पता थी। अब लेसी ने भैया तीन टाइप की रिज्यूम कंडीशन मेरे पास बताई थी, ठीक है, जनरली चार पांच टाइप की होती है लेकिन अपन तीन टाइप की पढ़ेंगे, ठीक है, बाकी कोई काम की नहीं होती इसलिए अपन उनको नहीं पढ़ेंगे, अपन तीन टाइप की पढ़ेंगे, ठीक है। पहली जो रिज्यूम कंडीशन है उसे बोला जाता है इनिशियल रिज्यूम कंडीशन, ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इन पे बनेंगे, मैं बताऊंगा कहां कहां क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको तसल्ली से समझना थोड़ा, है ना। देखिए इनिशियल रिज्यूम कंडीशन, नाम से ही पता चल रहा है इनिशियल है, मतलब सबसे पहली फर्स्ट रिज्यूम कंडीशन मेरे पास कौन सी होगी, इनिशियल रिज्यूम कंडीशन होगी किसी भी कैनाल की, ठीक है जी। अब देखो मैंने एक कैनाल को यहां पे बनाया, ठीक है, और इस कैनाल को बनाते टाइम मैंने क्या ध्यान रखा कि इसका जो बेड स्लोप है वो कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, ठीक है, और इसकी जो विड्थ है वो क्या होनी चाहिए मेरे पास, लेस होनी चाहिए, मतलब कम विड्थ होनी चाहिए इसकी, स्मॉलर विड्थ की मैंने क्या बनाई है यहाँ पे एक कैनाल बनाई है, और इसका बेड स्लोप क्या रखा है मैंने, फ्लैट रखा है, समझ रहे हो ना। बेड स्लोप क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो ग्रेडियंट होता है उसे क्या बोलते हैं अपन, बेड स्लोप बोलते हैं, मतलब ऐसे बह रही है ना तो ऐसे कितनी नीचे जा रही है, दैट कॉल्ड इसका बेड स्लोप। अब मैंने क्या किया, एक कैनाल बनाई जिसकी विड्थ जो है मैंने कम रखी और इसका बेड स्लोप मैंने फ्लैट रखा। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इस कैनाल में मैंने फ्लो को लाया, मतलब इसमें क्या कर दिया, फ्लो चालू कर दिया मैंने। अब फ्लो जो है कहीं ना कहीं से आ रहा होगा, बैक से आ रहा होगा। अब फ्लो आएगा तो फ्लो ऑब्वियस ही बात है आगे डायरेक्शन में जाएगा। अब आगे डायरेक्शन में जाएगा, मेरे पास बेड स्लोप इसका कैसा है, फ्लैट है, मतलब फ्लैट स्लोप पे आपको पता है कि वाटर को आगे जाने के लिए प्रेशर नहीं बनेगा। लेकिन है क्या, क्योंकि पीछे किसी ना किसी कैनाल से आ रहा होगा या हेड रेगुलेटर से आ रहा होगा, तो पीछे से वाटर को क्या लग रहा है, पुश लग रहा है, मतलब जो मेरे पास वाटर फ्लो कर रहा है, जो डिस्चार्ज आ रहा है, वो इस फ्लैटर बेड स्लोप से भी फ्लो करने लग जाएगा।
अब जब यहाँ पे मेरे पास डिस्चार्ज आना स्टार्ट हो जाएगा, फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, बेड स्लोप मेरा कैसा है? फ्लैट है ना, समझो बात को, मेरा बेड स्लोप फ्लैट है, मतलब सेम टू सेम ऐसा बेड स्लोप है मेरे पास, बिल्कुल स्ट्रेट, ठीक है ना, ये हालांकि टेढ़ा बन गया है, बिल्कुल स्ट्रेट मेरे पास बेड स्लोप है। अब बेड स्लोप है, यहाँ से मैंने डिस्चार्ज स्टार्ट किया, तो फ्लैट बेड स्लोप पे आपको पता है वेलोसिटी जो है वाटर की वो कम रहेगी, बात समझ रहे हो ना, वेलोसिटी वाटर की कम रहेगी, तो धीरे धीरे मेरे पास क्या होने लग जाएगी, सिल्टिंग होने लग जाएगी। ये लो जी मेरे पास यहाँ पे सिल्टिंग होना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब जब सिल्टिंग होना स्टार्ट होगी तो फ्लो क्या करेगा, उसकी सिल्टिंग को अपने अकॉर्डिंग अरेंज करेगा, और जैसे ही सिल्टिंग स्टार्ट होगी मतलब बेड पे क्या आने लग जाएंगे, सेडिमेंट आने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, मेरा बेड स्लोप चेंज होने लग जाएगा, ठीक है। बेड स्लोप क्या होने लग जाएगा, मेरा चेंज होने लग जाएगा, और इस बेड स्लोप के चेंज होने की वजह से इसकी जो डेप्थ है, क्योंकि आपको पता है लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास स्टार्टिंग में डेप्थ वाई थी, ठीक है, अब धीरे धीरे सिल्टिंग हुई तो ऑब्वियसली बात है इसकी डेप्थ भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, वाई डैश हो गई। तो ऐसी मैंने एक कैनाल बनाई जिसकी पहले विड्थ कम थी, बेड स्लोप फ्लैट था, उसके बाद मैंने उसमें डिस्चार्ज फ्लो किया, डिस्चार्ज के वजह से क्या हुई, हमारे पास कुछ पर्टिकुलर क्वांटिटी में सिल्टिंग हुई, उस सिल्टिंग की वजह से क्या हुआ, बेड स्लोप और डेप्थ जो थी कैनाल की वो चेंज हुई, और वो इस टाइप से चेंज हो गई, उन्होंने खुद को इस टाइप से अरेंज कर लिया कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर कैनाल ने एक इक्विलिब्रियम कंडीशन गेन कर ली, समझ में आई बात। डिस्चार्ज की वजह से बेड स्लोप और डेप्थ इसकी चेंज हुई, और वो इस तरीके से चेंज हो गई कि इस कैनाल ने या इस चैनल ने एक पर्टिकुलर इक्विलिब्रियम कंडीशन को गेन कर लिया, इसे ही बोला जाता है इनिशियल रेजिम कंडीशन, ठीक है। और ये इनिशियल रेजिम कंडीशन जो होती है मेरी, ये होती है मेरी टेम्परेरी, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए ये नहीं चलती है, इसी वजह से लेसी थ्योरी को इसमें नहीं लगाया जा सकता, लेसी थ्योरी इनिशियल रेजिम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती। क्लियर, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो बैक करके वापस देख लो, ठीक, समझ में आ जानी चाहिए, थ्योरी है तो थ्योरी आपको ऑब्वियसली बात है पता होनी चाहिए, मतलब आप समझ के एक बार उसको फिर अपनी लैंग्वेज में लिख लो, क्योंकि मैं थ्योरी लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेसी थ्योरी इनिशियल रेजिम कंडीशन के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, और प्रैक्टिकली भी एप्लीकेबल, या प्रैक्टिकली मैं इनिशियल रेजिम कंडीशन के लिए लेसी थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक। सेकेंड जो मेरे पास रेजिम कंडीशन होती है वो होती है, उसे बोलते हैं अपन ट्रू रेजिम कंडीशन। अब ट्रू रेजिम कंडीशन के लिए मेरे पास कुछ शर्त होती है, वो शर्त एक बार मैं लिख देता हूं, ठीक है। पहली शर्त होनी चाहिए, या पहली कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास कि भैया फ्लो जो है मेरा वो यूनिफॉर्म हो, ठीक है, क्लियर। दूसरी कंडीशन होनी चाहिए मेरे पास कि जो डिस्चार्ज फ्लो हो रहा है वो कॉन्स्टेंट हो, ठीक। थर्ड मेरे पास जो मेरी सिल्ट चार्ज है वो भी कॉन्स्टेंट हो। फोर्थ मेरे पास जो सिल्ट ग्रेड है वो भी कॉन्स्टेंट हो। और फिफ्थ जो पार्ट है मेरा वो क्या है कि फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू इनकोहेरेंट एल्यूवियम, ठीक है। इनकोहेरेंट एल्यूवियम मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। तो मेरे पास पांच पर्टिकुलर कंडीशन है, इनमें से पहली, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन चारों कंडीशंस को बोला जाता है ट्रू रेजिम कंडीशन, समझ में आई बात, ठीक है ना। अगर मैं सेकंड कंडीशन को इसमें से हटा दूं तो बची जो मेरे पास चार कंडीशन है इन्हें बोलूंगा मैं ट्रू रेजिम कंडीशन। एक बार देखो कंडीशन देख लेते हैं अपन क्या क्या होती हैं। पहला, फ्लो यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म सब समझते हो, एफएम सबने पढ़ी होगी, तो फ्लो एक ऐसा होना चाहिए यूनिफॉर्म होना चाहिए, ठीक है। सेकंड मेरे पास रेजिम कंडीशन तो होती है लेकिन ट्रू रेजिम कंडीशन नहीं होती, ध्यान रखना इस बात को। डिस्चार्ज कॉन्स्टेंट होता है वो एक रेजिम कंडीशन होती है लेकिन वो एक ट्रू रेजिम कंडीशन नहीं होती, ध्यान रखना इस चीज को, पूछी जाती है। नेक्स्ट है अपने पास, हेलो, हाँ जी, नेक्स्ट है अपने पास कि सिल्ट चार्ज जो है मेरा वो कांस्टेंट होना चाहिए। सिल्ट चार्ज कांस्टेंट होने का मतलब है कि वाटर में जितनी सिल्ट आ रही है क्वांटिटी वाइज उतनी ही सिल्ट मेरे पास हमेशा रहनी चाहिए, मतलब कांस्टेंट रहनी चाहिए। नेक्स्ट है मेरे पास कि सिल्ट की जो ग्रेड है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, सिल्ट के जो पार्टिकल्स की साइज बता रहा है ना यहाँ पे वो कांस्टेंट होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद
फ्लो जो है वो इनकोहेरेंट एल्यूवियम से टेक्स प्लेस, मतलब इसमें से चलना चाहिए, फ्लो जो है मेरा इनकोहेरेंट एल्यूवियम से होना चाहिए। बात समझ में आई है? मेरे पास 5 कंडीशन है, एग्जाम में पूछी जाती है, ध्यान रखना। ठीक, अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये ट्रू रेजिम कंडीशन नहीं है मेरी, तो मैंने इसको हटा दिया। अब आप कुछ सोच के देखिए, ये जो मेरे पास 4 कंडीशन है वो प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो सकती हैं क्या? बिल्कुल नहीं हो सकती भैया, फ्लो यूनिफॉर्म आप कर दोगे कैसे ना कैसे, रो दोगे, ठीक है ना। दूसरी देखो, सिल्ट का चार्ज कॉन्स्टेंट होना चाहिए भैया। अगर सिल्टिंग और स्कोरिंग नहीं हो रही होगी तो ये भी मान लिया कि सिल्ट का चार्ज कांस्टेंट हो जाए। सिल्ट ग्रेड कांस्टेंट होनी चाहिए, कैसे हो सकती है भाई? सिल्ट बहके आ रही है, पार्टिकल बहके आ रहे हैं, एक दूसरे से टक्कर कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो टूटेंगे ना, फूटेंगे, उसमें से सिल्ट की ग्रेड कांस्टेंट नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है ये केस। और फ्लो टेक्स प्लेस थ्रू इनकोहेरेंट एल्यूवियम, इनकोहेरेंट एल्यूवियम मतलब ऐसी एक सॉइल का डिपोजिशन जिसमें जितनी रेट से स्कोरिंग हो रही है उतनी रेट से सिल्टिंग हो रही है। तो ये जो मेरे पास ट्रू रेजिम कंडीशन है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ में आई बात? पहले आप एक बात और ध्यान दें यहाँ पे कि लेसी क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई कैनाल इन चारों की चारों कंडीशन को फॉलो कर लेती है तो वो एक इक्विलिब्रियम गेन कर लेगी, एक स्टेबल कंडीशन में आ जाएगी, और उस स्टेबल कंडीशन को अपन बोलेंगे ट्रू रेजिम कंडीशन। ये तो बात हो गई, लेकिन दूसरी बात क्या है कि ये जो मेरे पास 4 कंडीशन हैं ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इनको अपन फॉलो नहीं कर सकते एक साथ, ये सारी की सारी कंडीशन फॉलो नहीं हो सकती। तो मेरे पास ट्रू रेजिम कंडीशन जो है एक टाइप की क्या है, इमेजिनरी कंडीशन है। समझ में आ रही होगी आपको बात, ये क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है। दूसरी बात ध्यान रखना, लेसी थ्योरी जो है इसके लिए एप्लीकेबल तो है, लेकिन प्रैक्टिकली अपन इस चीज को यहां पे फॉलो नहीं करा सकते। समझ में आ रही है बात मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई ट्रू रेजिम कंडीशन जो है ना वो इमेजिनरी कंडीशन है, क्योंकि इतनी सारी कंडीशन फॉलो नहीं कर सकती कैनाल एक साथ में। और दूसरी बात कि लेसी थ्योरी जो होती है इस चीज के लिए एप्लीकेबल तो है, मतलब लेसी थ्योरी इस चीज के लिए बनी है, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली अपन इस चीज के लिए इसको अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इमेजिनरी कंडीशन है, ठीक है ना। ये सारी की सारी कंडीशन मेरे साथ एक बार में फॉलो नहीं होंगी तो मैं इसको अप्लाई नहीं कर सकता प्रैक्टिकली, ठीक है। इसको बना ले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इस पे बनते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर अपन एक और तीसरी कंडीशन होती है, इसके बारे में पढ़ते हैं। होप आपने बना लिया होगा। थर्ड होती है मेरे पास फाइनल रेजिम कंडीशन, थर्ड है मेरे पास, दैट इज कॉल्ड फाइनल रेजिम कंडीशन। अब मैं एक बार आपको पहले वापस याद दिला दूं कि इनिशियल रेजिम कंडीशन में क्या था। इनिशियल रेजिम कंडीशन में क्या था, मैंने एक छोटी विड्थ की और फ्लैट बेड स्लोप की कैनाल बनाई थी, उसमें से डिस्चार्ज फ्लो हुआ था। तो डिस्चार्ज फ्लो होने के बाद इनिशियल रेजिम कंडीशन में ओनली क्या चेंज हुआ था मेरा, एक तो उसकी डेप्थ चेंज हुई थी और एक उसका बेड स्लोप चेंज हुआ था, ठीक है ना। ये दो चीज मेरे पास चेंज हुई थी और इन दो चीजों के चेंज होने से कैनाल ने एक इक्विलिब्रियम प्राप्त कर लिया था और उसे अपन ने इनिशियल रेजिम कंडीशन बोला था। ये बात हो गई मेरी, ठीक है। अब बात आती है फाइनल रेजिम कंडीशन की। फाइनल रेजिम कंडीशन में क्या है कि मैंने एक चैनल को कंस्ट्रक्ट किया, ठीक है, कंस्ट्रक्ट किया। इसके स्टार्टिंग के कुछ पैरामीटर होंगे, जैसे इसकी विड्थ होगी बी, इसकी डेप्थ होगी मेरे पास वाई, इसका कुछ बेड स्लोप होगा एस, ठीक है, इसका कुछ साइड स्लोप भी होगा मेरे पास। सारी की सारी चीजें क्या होंगी मेरे पास प्रेजेंटली फिक्स होंगी। जब इसको कंस्ट्रक्ट किया है, जब सारी की सारी चीजें मैंने फिक्स कर दी और बना दी इसको, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके बाद मैंने इसमें से फ्लो चलाया, मतलब इसमें से पानी का जो डिस्चार्ज है वो मैंने फ्लो करवा दिया। अब जैसे ही मेरे पास डिस्चार्ज इसमें से जाने लगेगा, तो आपको पता है डिस्चार्ज जब जाता है तो ये सारी की सारी जो चीजें हैं इनको क्या कर लेता है, अपने आप एडजस्ट कर लेता है। तो ध्यान रखें, जब इसमें से डिस्चार्ज चला और मैंने सारे के सारे पैरामीटर को वेरी होने दिया, ठीक है, ध्यान रखें इनिशियल रेजिम कंडीशन में ओनली दो मेरे पास पैरामीटर वेरी हो रहे थे, एक तो डेप्थ और एक क्या इसका बेड स्लोप। लेकिन मैंने क्या किया, फ्लो इसमें चलाया और इसके जितने भी पैरामीटर थे उनको मैंने चेंज होने दिया, मतलब इसकी विड्थ को भी चेंज होने दिया, इसकी डेप्थ को, साइड स्लोप को, बेड स्लोप को, सबको चेंज होने दिया। तो ये सारे के सारे अपने आप चेंज होके फ्लो के अकॉर्डिंग एक ऐसी इक्विलिब्रियम कंडीशन तैयार कर लेंगे जहां पे ना सिल्टिंग होगी ना स्कोरिंग होगी। इसे ही बोला जाएगा फाइनल रेजिम कंडीशन। बात समझ में आ गई आपको, आई होप आ गई होगी, ठीक है। और फाइनल रेजिम कंडीशन जो होती है उसके लिए लेसी थ्योरी जो होती है वो एप्लीकेबल भी होती है,
और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। मैंने आपको तीन कंडीशन बताई, तीनों कंडीशन में इनिशियल रेजिम कंडीशन में लेजी थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती, प्रैक्टिकल पॉसिबल भी नहीं है, ठीक है। सेकंड मैंने बताई थी ट्रू रेजिम कंडीशन, इसके लिए लेजी थ्योरी एप्लीकेबल तो है लेकिन प्रैक्टिकली अपन उसको यूज नहीं कर सकते। थर्ड मैंने बताई आपको फाइनल रेजिम कंडीशन, इसके लिए लेजी थ्योरी एप्लीकेबल है और प्रैक्टिकली पॉसिबल भी है। ध्यान रखना क्वेश्चन आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे कि कौन सी रेजिम कंडीशन के लिए लेजी थ्योरी जो है प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो भाई साहब आंसर होगा उसका फाइनल रेजिम कंडीशन। ध्यान रखना ऑब्जेक्टिव में पूछी जाती है, कई बार पूछी गई है, ठीक है। इसके अलावा अपने पास एक और रेजिम कंडीशन होती है, हालांकि वो अनलाइन कैनाल के लिए नहीं होती, फिर भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि आप कहीं पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास चौथी जो रेजिम कंडीशन होती है उसे बोलते हैं परमानेंट रेजिम कंडीशन, ठीक है। परमानेंट रेजिम कंडीशन में क्या होता है, यह होती है ऑब्वियस सी बात है किसके लिए, लाइन कैनाल के लिए। अब लाइन कैनाल में आपको पता है कि इम्परवियस मटेरियल की एक मैंने सरफेस वहाँ पे बना रखी है, एक मैंने उसकी लाइनिंग प्रोवाइड करवा रखी है। अब लाइनिंग अगर मैंने प्रोवाइड करवा रखी है तो भैया ना तो वहाँ पे स्कोरिंग होगी ना ही वहाँ पे सिल्टिंग होगी, मतलब कि जो मेरी लाइन कैनाल है वो ऑब्वियस ही बात है किसमें रहेगी, हमेशा की हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगी, और इसी टाइप के इक्विलिब्रियम को बोला जाता है परमानेंट रिजिम कंडीशन, ठीक है। ये चारों की चारों कंडीशन हो गई मेरे पास, ये आप बना लें, इंपॉर्टेंट है, ढंग से पढ़ लें। इसके बाद अपन पढ़ते हैं जो आगे का प्रोसीजर होता है कि लेजी थ्योरी के अकॉर्डिंग डिजाइन कैसे करते हैं कैनाल को, ठीक है, बना लें इसको। देखो एक बात और मैं बता दूं आपको, ये तीन रेजिम कंडीशन तो अपन ने पढ़ ली, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, क्वेश्चंस बहुत बनते हैं यहां से, ठीक है, सारा की सारा याद रखना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। एक चीज और पूछी जाती है, लेसी ने आपको कैनाल का क्रॉस सेक्शन के बारे में बताया था, कि लेसी ने यह बताया कि जब भी मेरी कोई कैनाल ट्रू रेजिम कंडीशन को फॉलो कर लेती है, निकल जाती है, मतलब इसको गेन कर लेती है, उसके बाद या उस टाइम पे जो कैनाल का क्रॉस सेक्शन होगा वो होगा आपका सेमी इलिप्टिकल शेप का मेरे पास क्रॉस सेक्शन होगा। ध्यान रखना लेसी ने किस टाइप का क्रॉस सेक्शन सजेस्ट किया था, सेमी इलिप्टिकल टाइप का किया था, जबकि कैनेडी ने कैसा किया था, कैनेडी ने किया था, आपको पता होगा ना कौन सा किया था, कैनेडी ने किया था ट्रेपेजोइडल टाइप का, ठीक है जी, कैनेडी ने ट्रेपेजोइडल सेक्शन बताया था और लेसी ने बताया था सेमी इलिप्टिकल, ठीक। अब सेमी इलिप्टिकल टाइप का जो क्रॉस सेक्शन है उसके भी इसने तीन टाइप बताए थे, तीन अलग अलग केस बताए थे। पहला केस कि अगर मेरी जो सॉइल है या सेडिमेंट है वो कोर्सर सिल्ट को कैरी करते हैं, मतलब जो इसमें सिल्ट है वो कोर्स साइज की है, मोटे कण है उसमें, ठीक है, अगर कोर्स सिल्ट होगी तो मेरे पास सेमी इलिप्टिकल सेक्शन जो रहेगा कुछ इस टाइप का रहेगा। मतलब ध्यान से देखें एक बार, यहाँ पे ट्रू रेजिम कंडीशन मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, ये कैनाल ने या चैनल ने अपने आप बनाया है, अपन ने नहीं बनाया, ये कैनेडी ने तो माना था कि भाई ऐसा सेक्शन होगा अपने पास, लेकिन लेसी की थ्योरी में जो कैनाल सेक्शन बन रहा है वो खुद के खुद बन रहा है, कैनाल के जो भी सेक्शन जो भी स्लोप है, जो भी विड्थ है, वो अपने आप एडजस्ट हो रही है और ये सेक्शन जो है अपने आप फॉर्म हो रहा है, ठीक है। तो सेमी इलिप्टिकल टाइप का फॉर्म होगा और कोर सिल्ट होगी तो उसकी शेप कुछ इस टाइप की रहेगी, अगर मेरे पास मीडियम सिल्ट रहेगी तो वो थोड़ा सा क्या होगा, डीपर चला जाएगा। ये केस किस में होगा, अगर मेरे पास मीडियम सिल्ट प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तीसरी बात, अगर मेरे पास फाइन सिल्ट प्रेजेंट रहती है तो मेरे पास जो सेक्शन बनेगा कुछ इस टाइप का बनेगा, मतलब और ज्यादा डीप बनेगा, ठीक है। तो तीसरा केस हो गया मेरे पास फाइन सिल्ट का, ये लो जी, ये हो गया मेरे पास तीसरा केस फाइन सिल्ट। तो ये याद रखना, एग्जाम में पूछे हुए हैं एक दो बार, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे है इसके बाद लेसी के अकॉर्डिंग किस टाइप से डिजाइन की जाती है, क्योंकि उसके ऊपर छोटे छोटे से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं और थ्योरी के जो फॉर्मूलाज हैं, लेसी ने क्या है, खुद ने अपनी थ्योरी के अकॉर्डिंग फॉर्मूलाज दिए थे, जबकि कैनेडी ने दूसरे फॉर्मूलाज जो थे उनको यूज किया था, ठीक है, लेसी ने खुद के फॉर्मूलाज दिए थे। तो लेसी के जो फॉर्मूला है, एक तो वो पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, इसके अलावा लेसी के फॉर्मूलाज पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनाते हैं, उनको पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन लेसी के अकॉर्डिंग डिजाइन करेंगे कैनाल की, तब तक के लिए आप इन चीजों को अच्छे से समझ लेना क्योंकि काम आएंगी, ठीक है। थैंक यू। कुछ समझ में नहीं आया हो, कुछ भी कंफ्यूजन हो, तो वीडियो को वापस चला के देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू।